व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। और मैं अब सवात के इलाके मालम जबा में हूँ और उसी के साथ ही ग्रीन वैली है। आपको ये व्यू दिखा सकता हूँ ग्रीन वैली का, ये देखें, बहुत खूबसूरत व्यू है, ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ पे भी पहाड़ों पे बर्फ़ है, ये आप बैक साइड पे देखें तमाम व्यू को। आगे चलते हैं व्यूअर्स, देखें ये व्यू देखें, मैं आपको वैली का व्यू दिखाता हूँ। ये ग्रीन वैली है, सर्दियों के मौसम में यहाँ पे तमाम की तमाम आइस है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। दूर दूर तक पहाड़ों पे बर्फ़ है। ये एक पहाड़ की चोटी पे होटल्स और साइड पे जो पार्किंग है आप तमाम देख सकते हैं। और यहाँ पे व्यूअर्स ये देख सकते हैं आप के ये पानी जो कि आइस में तब्दील हो चुका है, खूब ठंडी जगह, अब इसको हम पानी नहीं कहेंगे बल्कि आइस कहेंगे, ग्लेशियर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अब नहीं मालूम कि कहां तक ये नीचे को है। व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत डक्स जो कि पानी का वेट कर रहे हैं, लेकिन पानी जो है वो आइस में चेंज हो चुका है। ये तमाम आइस है और ये एक डॉग्स हैं, अब इनको कोई और रास्ता नहीं मिलता। बहुत ही खूबसूरत व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू। व्यूअर्स ये देखें, आइस ही आइस है, बहुत ठंड है। टेम्परेचर यहाँ का जो है वो -3 है, इस मौसम में बहुत ही ठंड है। आप खुद देख सकते हैं सर कि कैसा है व्यूअर्स, ठंड से अब बोला भी नहीं जा रहा। ऊपर ऊपर यार बड़ा तेज आने ये लपटी होती ये उन्हें देखे ये उन्हें बच गए। तो व्यूअर्स साहब, मैंने आपको यहाँ जो है ग्रीन वैली भी दिखाई जो हम मालम जब भी आए हुए हैं, और आपने खूब इंजॉय किया, आइस को किया, स्लाइडिंग को किया, और यहाँ पे जो और व्यूज़ थे आपने उनको भी खूब इंजॉय किया। और उसके साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, वही पुरानी बात वही पुराना किस्सा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इसी के साथ ही मिस्टर डी ए खान का सलाम।